एक सप्ताह पूर्व की तुलना में बीते सप्ताह एशियाई कारोबार में विश्व में चावल के सबसे बड़े निर्यातक भारत के चावल की निर्यात कीमत ने बीते जून महीने के बाद का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया। कारोबारियों और विश्लेषकों का कहना है कि आपूर्ति तंग बनी होने तथा रुपये में मजबूती आने के कारण चावल की निर्यात कीमत में नवीनतम तेजी आई है। इतना ही नहीं, अल्प अवधि में मांग बढ़ने के कारण थाईलैंड के चावल की निर्यात कीमत भी तेज होकर बीते वर्ष के जुलाई महीने के मध्य के बाद के ऊंचे स्तर पर जा पहुंची। आलोच्य सप्ताह के दौरान भारत का 5% टुकड़ा पार बॉइल्ड चावल 367 से $375 प्रति टन पर बोला गया। नवीनतम कीमत बीते वर्ष के 24 जून के बाद की सबसे ऊंची है। गत सप्ताह इसकी कीमत 359 से $363 थी। एक विशेषज्ञ का कहना है कि मिलों का सारा ध्यान मिलिंग सफ़ेद चावल पर टिका हुआ है। पार बॉइल्ड चावल की आपूर्ति काफ़ी सीमित बनी हुई है और यही वजह है कि इसकी कीमत भी बड़ी है। उन्होंने आगे बताया कि रुपये में मजबूती आने के कारण भी कीमत बढ़ रही है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बिक्री पर निर्यातकों का मार्जिन सिकुड़ गया है। बहरहाल थाईलैंड का 5% टुकड़ा चावल तेज होकर 404 से $405 प्रति टन के मध्य जुलाई के बाद के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। एक सप्ताह पूर्व इसकी कीमत 390 से $402 थी। बैंकॉक स्थित कारोबारियों का कहना है कि नव वर्ष की छुट्टियों से पूर्व किए गए सौदों की पूर्ति करने वाले निर्यातकों की मांग बढ़ने से चावल में नवीनतम तेजी आई है। उधर देश के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021 की जनवरी नवंबर अवधि में थाईलैंड से 53.90 लाख टन चावल का निर्यात हुआ है, जो कि एक वर्ष पूर्व की आलोच्य अवधि की तुलना में लगभग 2.60% ऊंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।